अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला चना। तो यहाँ पर हमने ले लिया कढ़ाई में तेल 1 चम्मच के करीब। इसमें हम डालेंगे राई और जीरा, प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे, साथ पाउडर मसाले भी डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच ले लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें अमचूर पाउडर, और 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। और बस ये सारे मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे चने। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब चना लिया और चने को ओवरनाइट भिगा दिया। भिगाने के बाद में इसे प्रेशर कुकर में डालकर इस तरह गला लिया। थोड़ा सा नमक भी डाला था हमने। तो ये चने अब हम इसमें डाल देंगे मसाले में, और अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। मिक्स करने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, और इसे हम ढाँक कर 8 से 10 मिनट पका लेंगे। फ्लेम हम यहाँ स्लो ही रखेंगे। तो थोड़ी देर चनों को ढाँक कर पकाने के बाद में चने जो हैं अच्छे से पक गए हैं, और मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है। चनों को और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप इमली की खट्टी मीठी चटनी डालते हैं तो चनों का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। अब इसमें डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, और बस अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और 1 से 2 मिनट इसे और पका लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद में अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम कर लेंगे डिसाउंड। मसाला चना बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये मसाला चना बना है। आप इसे इस तरह बनाएं, बहुत ही मज़े का ये मसाला चना बनता है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।